हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अल्का फ्रेश सिरप के बारे में। इसका उपयोग किया जाता है यूटीआई से संबंधित समस्याओं के लिए। इसको मैन्युफैक्चर करते हुए स्मार्ट लैबोरेटरी है। 100 ml का इसका बॉटल है, जिसकी कॉस्ट है 60 rupees। तो इसका जो कंटेनर है वह डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट है। तो अल्का फ्रेश सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, किसे किन प्रॉब्लम में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको क्या फ़ायदे और क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कितने समय तक इसका उपयोग करना चाहिए, किन एज ग्रुप में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और मेडिसिन जुड़ी जानकारी से आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अगर हम इसके बॉक्स को ओपन करते तो हमें इस तरह का सिरप देखने को मिलता है। इसका उपयोग तभी किया जाता है जब आपके यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तब जिसके वजह से आपको तकलीफ होती है जब यूरिनेशन करते हैं, जब आप बार बार सुसु करने जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सुसु कम लगती है और आपको दर्द काफ़ी होती है, जलन होती है, तब इसका उपयोग किया जाता है। या आपको बॉडी में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके गट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से आपके जोनों में दर्द होता है, जैसे कि आपके फिंगर नेल या आपके टॉय नेल या आपके नी या घुटने में कहीं भी जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे सूजन इन्फ्लामेशन होकर आपको दर्द होता है गट फॉर्म करके, तब इसका उपयोग किया जाता है। या किडनी में सर्टन टाइप के जो स्टोन बनते हैं उसके बचाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये अल्कलाइजर है, ये क्या करता है कि जो यूरिन में एसिडिटी की मात्रा रहती है उसे कम करने में मदद करता है, या अपने जो शरीर में एसिडिटी की मात्रा रहती है उसे कम करने में मदद करता है, ताकि आपको जो सुसु वगैरह करते टाइम आपको तकलीफ ना हो या यूरिन डिस्चार्ज करते समय तकलीफ ना हो। इसका उपयोग तभी भी किया जाता है जब आपको जब आपका ऑपरेशन वगैरह होते रहता है, जब आपको कोई नली वगैरह आपके प्राइवेट पार्ट में डाल दी जाती है, उस समय जब डिस्चार्ज करते हैं आप यूरिन, तो उस समय अगर आपको दर्द होता है तभी भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रिवेंट करता है जैसे कि आपको यूरिक एसिड से, जिसकी वजह से आपको स्टोन वगैरह ना हो, और साथ में और आपको जो एसिडिटी हो रही थी, एसिडिटी की मात्रा जो आपकी यूरिन में बढ़ जा रही थी उसको कम करने में, ताकि आपको जब यूरिन करते हैं तो आपको दर्द वगैरह ना हो। तो इसका उपयोग करना है तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस कर लें, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, आपको टायर्डनेस महसूस हो सकता है, साथ में आपको पेट में दर्द हो सकते हैं और आपको बार बार सुसु जैसी लग सकती हैं। तो इसके डोसेस के बारे में बात करें, अगर आप अडल्ट हो तो इसको 15 ml लेना है और दिन में 3 बार लें, और इसको डाइल्यूट करके लें। आप अगर 5 ml एक ग्लास में लेते हैं तो उसमें 100 ml तक पानी रहना चाहिए, डाइल्यूट कर लेना चाहिए, उसके बाद लें। अगर आपका एज 7 साल से 13 साल के बीच में है तो आप इसे 5 ml तक दें उनको और उसे डाइल्यूट करके दें। या आपका एज 2 साल से 7 साल के अंदर का है बच्चे का, तो उसे आप 2 ml तक दें दिन भर में और उसे डाइल्यूट करके दें, 3 टाइम दें, ताकि जो बच्चे का जो सुसु वगैरह करते टाइम जो तकलीफ हो रही थी वह चली जाए। इसे मिनिमम 5 to 6 days के लिए दिया जाता है, और जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, आपको रिकमेंड करता है डोज एंड ड्यूरेशन, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अल्का फ्रेश सिरप के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और फ्यूचर में आप ऐसे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।